सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। ओके, तो अगेन बच्चों, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सब गुड इवनिंग बहुत सर। बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, राइट? यस यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। अब देखो बच्चों, मैं आपको ये बोलूंगा लास्ट क्लास में ना, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, हमने लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ाई किया था। तो हम ये बोल सकते बच्चों, हम ये बोल सकते हैं लास्ट क्लास हमने पढ़ा था अपने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाई किया, और हमने ये देखा यस जो आपका हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम वो खाली आपका हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, ये पार्ट आ गया। हमने देखा दैट इज फॉर्मूला क्या था, दैट इज वन अपॉन लैमडा इज इक्वल टू आर एच, दैट इज रिबस कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट में वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन माइनस वन अपॉन जेड एन टू वन टू स्क्वायर स्क्वायर इनटू इन जेड जेड स्क्वायर। स्क्वायर अभी जेड स्क्वायर क्या है बच्चों? अगर आपका एटॉमिक हाइड्रोजन एटॉमिक ऑक्सीजन है, एटॉमिक अगर नंबर आपका हाइड्रोजन है तो जेड आपका वन आ जाएगा, अगर वन आपका हीलियम पॉजिटिव है तो टू आपका जेड टू आ टू जाएगा, अगर आपका लिथियम टू पॉजिटिव है तो आपका थ्री जेड थ्री आ जाएगा, थ्री थ्री ये आ जाएगा, ठीक ना? तो बच्चों हमने यहाँ से क्वेश्चन भी किया था, और यहाँ से बच्चों एग्जाम में कुछ आते हैं, हमने ये भी देखा, यस सर। हमने हमने ये भी देखा बच्चों, कुछ साइंटिस्ट थे जैसे आपका था लेमन, है ना, लेमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एमन बोला ब्रैकेट क्वेश्चन ब्रैकेट, हाँ वो सब, उन्होंने क्या बोला कि उनका जो स्टार्ट कैसे होता है, वो आपका एन इक्वल टू वन होता है और वन आपका एन टू कितना बोलता है, ये आपका टू 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 थ्री आगे थ्री जाएगा, फोर ऐसे जाएगा। फिर पढ़ा आपका ये कहाँ पे काम आता बच्चों, ये आता आपका अल्ट्रावेट, ये आपका अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट वायलेट में आता है। ब्रैकेट फिर हमने बात किया था बच्चों ब्रैकेट के बारे में, हम ये ब्रैकेट पर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, एन इक्वल टू एन वन इक्वल टू टू आ जाएगा और आपका तो एन टू क्या एन है, एस ओ हो सर जाएगा, सॉरी बाल सॉरी सॉरी, बालमर, ब्रैकेट में बालमर, सर बालमर था। राइट राइट, सॉरी सॉरी, बालमर आपका बालमर था ना, बालमर से था। ये कहाँ पर आता यस बच्चों, ये आता आपका विजिबल में, ये आपका यस विजिबल, विजिबल विजिबल फिर आपका पैशन आते हैं, ब्रैकेट आता फंड आते हैं, और ये आता आपका इंफ्रेड में आते हैं। तो ये पर यस बच्चों हमने सर। प्रॉपरली हमने क्लास में पढ़ाई किया था और हमने को नॉर्मल सॉल्व किया था, ठीक है ना? यस सर। अब देखो यस आज हम क्या पढ़े बच्चों, आज हम पढ़ा ले फॉर बोर एटॉमिक मॉडल। अगेन। बोलो बच्चों ये जो टॉपिक बच्चों अगेन इट इज, अब बोलोगे इस चैप्टर का बोल सकते हो इट इज द मोस्ट आई एम टॉपिक, ये आपका काफी आई एम टॉपिक है बच्चों, बिकॉज यहाँ से जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से बच्चों काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बोर मॉडल से बच्चा काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और ये जो थ्योरी बच्चों, ये जो आपका थ्योरी है, ये आपका क्वांटम मॉडल बेस्ड है, ये बेसिल आपका क्वांटम मॉडल बेस्ड बच्चा, ये थ्योरी देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, इट यस इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बेस्ड है आपका। तो हम ये आपका रेस्पेक्ट छोड़ते हैं, बिकॉज हम रिवाइज करेंगे बच्चों तो हम वापस फर्स्ट पार्ट में आएंगे, ओके? ये आपका बोर से पॉस्चर है, तो बोर से बच्चों बोर से कुछ पॉस्चर देते हैं, बेसिकली बोर ने तीन चार पोस्टर थे, ध्यान ध्यान समझते उसको। अब देखो पहला पोस्टर क्या था बच्चों, पहला पोस्टर था उसने बताया था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसने बोला जो आपका एटम है ना, जो आपका एटम होता है उसमें एटम एक सेंटर होता है, उसमें आपका फर्स्ट ऑर्बिट आएगा, सेकंड ऑर्बिट आएगा, है ना, और आपका थर्ड ऐसा आपका डिफरेंट टाइप ऑर्बिट आएगा। हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रोटेट कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, राइट? इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और आपका हर एक ऑर्बिट का बच्चों एक आपका फिक्स एनर्जी होगा, आपका हर एक ऑर्बिट का बच्चों का एक फिक्स एनर्जी होगा। और क्या बच्चों देखो, हमने उर्दू फोन क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो आपका एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन बोर ने क्या बोला बच्चों, बोर ने बोला द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व विदाउट रेडी, मतलब कि वो एनर्जी लूज नहीं करता, ये बोलने का, ठीक है ना? तो बोलने क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे द कंसेंट्रिक सर्कल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, क्या बच्चों न्यूक्लियस बाजू में क्या क्या है बच्चों, आप वहां पे आपका डिफरेंट डिफरेंट आपका ऑर्बिट होगा, और हम ये बोलेंगे जो आपका ऑर्बिट है उन ऑर्बिट का एक आपका एक फिक्स एनर्जी होगा। और तीसरा पार्ट हमने क्या देखा बच्चों, हम ये बोलेंगे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वहां पर, इलेक्ट्रॉन्स आपका वहां पे घूम रहे हैं वो आपका एनर्जी को रिलीज यस नहीं करते,
वो आपका विदाउट रेंज यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा बच्चों। फिर हम ये बोलेंगे जो आपका पहला ऑर्बिट है, जो आपका पहला ऑर्बिट है जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, जिसे हम बोलेंगे एन इक्वल टू वन, एकदम सोरा हम उसे के एल एम बोलते हैं, है ना। हेलो सिमरन, वेरी गुड बच्चा। एन इक्वल टू वन बोलेंगे हम उससे, क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलते हैं, हम उससे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। हम बोलेंगे सेकंड ऑर्बिट, तो ये कैसा, इससे क्या बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, हम इससे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हम बोलेंगे इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन आपका हायर रेंज भी चला गया, तो ये पार्ट है बच्चों, है ना। तो पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये देखा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आता है स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में, कॉन्सेप्ट आता है, फिक्स है एनर्जी, फिक्स है, और आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर उसकी, वो आपका एनर्जी लूज नहीं करता। ये हमने बच्चा प्रॉपरली पढ़ाई किया, इतना पर सब समझ आया बच्चों। ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या था बच्चों, ये आपका दूसरा प्रश्न है। अभी क्या बोला बच्चों, बोला देखो द एनर्जी चेंज टेक प्लेस इन द डिस्क्रीट मैनर, दैट इज एन वन क्या बच्चों होगा, ये होगा आपका इनिशियल एनर्जी और ये आपका फाइनल एनर्जी। अगर आपको एनर्जी, अगर देखो अगर आपको दो स्टेट के, दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी कैसे निकल बच्चों, दैट ई कैसा बच्चों होगा, ये होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। कैसे बच्चों, ये आपका ई फाइनल माइनस इनिशियल होगा। इतना पर समझ में आया बच्चों, हाँ है ना। अब देखो मैंने क्या बोला बच्चों, मैं आपको बोला अगर आपका हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, है ना। मान के चलो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो आपका पहला, मैं ये आपका एग्जांपल बता रहा हूँ, जो पहला ऑर्बिट है उसका एनर्जी है एक्स, और जो आपका सेकंड ऑर्बिट है उसका एनर्जी है वाई, तो चेंज कितना है बच्चों, आपको कितना चेंज करना पड़ेगा। आप बोलोगे दैट ये कितना है बच्चों, ये आएगा आपका वाई माइनस एक्स होगा। मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे एनर्जी का चेंज मिलेगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका एनर्जी चेंज होगा। और ये एनर्जी चेंज कैसा है बच्चों, कैसा है, ये भी ऐसे कैसा, ये भी आप एक फिक्स, ये भी आप एक फिक्स वैल्यू आएगा, ये भी आपका एक फिक्स वैल्यू आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, हाँ है ना, समझ पा रहे बच्चों। ओके, हम इससे कहते हैं क्वांटाइजेशन। अब ये बोलोगे सर क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, अब सपोज करो अगर मैं बात करता दीपक की बात करता हूँ, अभी दीपक के पास दिन में 24 घंटे हैं, दीपक के पास दिन में 24 घंटे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ दीपा आपको जो पढ़ाई करना है वो आपको 4 से 5 के बीच में पढ़ाई करना है, तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, मैं आपको ये बोलूँगा मैंने जो दीपक जो जो आपका दीपक का टाइम था मैंने इसको छोटा कर दिया, मतलब मैंने उसको क्वांटाइज कर दिया, इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। समझ मारा बच्चों, यस या नो, डन सारे बच्चे, yes. इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, मतलब कि टाइम को लिमिट करना, हम उसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन। इतना बात समझ गए बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे। फिर हम बात करते हैं दूसरा प्रोसेस के बारे में, फिर हम क्या देखते बच्चों, फिर हम देखते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स वो आपके रिवोल्व कर रहे हैं वो आपका स्टेशनरी ऑर्बिट रिवोल्व कर रहे हैं, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, या तो हम उसे कहेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे, या तो एनर्जी स्टेट कहेंगे, या तो एनर्जी लेवल्स कहेंगे। तो जो पहला एनर्जी क्या बोलेंगे बच्चों, जिसे बोलते हैं एन इक्वल टू वन बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलते हैं के, इससे करिश्मा बोल रही थी एन इक्वल टू क्या बच्चों 2 आ गया, तो ये इससे बोलेंगे एल, तो सेकंड ऑर्बिट एल। एन इक्वल टू 3 आ गया तो हम उसे बोलेंगे एम, जो कि आपका Yes, sir. ये बच्चों आपका सिंपल स्टेट है, जो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट बच्चों उसका दूसरा नाम से, उसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, हम उसे एनर्जी स्टेट कहते हैं, या तो एनर्जी लेवल कहते हैं। लेवल हमने ये देखा बच्चों कि आपका हर एक जो लेवल है उसका एक फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होगा, हर एक ऑर्बिट का एक क्या होगा बच्चों, आपका एक फिक्स एनर्जी होगा। इतना पर्सन ना रहा बच्चों, हाँ है ना। आगे बढ़ बच्चों, आगे बढ़ता। अब देखो ये आपका होगा तीसरा पॉइंट, हम यहाँ पे क्या बोल दो, यहाँ देखो द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द लोअर, जंप फ्रॉम द
लोअर टू हायर ऑर्बिट, मान के चलो आपका आपके इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पहले ऑर्बिट में और ये आपका दूसरा ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन तभी आपका ऑर्बिट जंप करेगा जब वो आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बच्चों तभी आपका फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड कब जाएगा बच्चों भाई, एब्जॉर्बिंग एनर्जी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब तभी आपका वो पहले से सेकंड पे जाएगा। ये आपका होगा तीसरा, ये होगा चौथा प्रश्न। मैं बच्चों अगर आपको उसको अगर उसको लोअर ऑर्बिट से उसको लोअर ऑर्बिट से जाना है हायर ऑर्बिट, क्या करें बच्चों, वो आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इतना ध्यान, बस सिंपल सी बात है। डन सारे बच्चे? यस नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब यहाँ पे क्या बोलते हो, यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये सेकंड ऑर्बिट पे है। अब बोलोगे द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द हायर टू लोअर ऑर्बिट बाय द रिलीजिंग एनर्जी, वो आपका ऑर्बिट नीचे का भाई बच्चों, अगर वो आपका एनर्जी रिलीज करे, अगर वो एनर्जी को रिलीज करेगा तब जाके बच्चों आपका हायर से लोअर पे आएगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब कि वो हायर ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट, तो कैसे वो आपका एनर्जी होता है। हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज जो आपका एनर्जी चेंज है किसका बच्चों आएगा, वो आपका आएगा E3 माइनस E2, मतलब जिस ऑर्बिट में है पहले उसके बाद में, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। इतना समझ में आ रहा बच्चों? आया ना? ठीक है बच्चों। तो मैंने बच्चों यहाँ पे मैंने आपको एकदम बहुत सिंपल, यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया, मैंने बच्चों यहाँ पे पूरा सिंपल तरीके से बताया है ना, हमने देखा। अब देखो मान के चलो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला दैट इज ई क्या बच्चों का, ई होगा आपका ई फाइनल माइनस ई इनिशियल है ना। अगर मुझे निकालना है एंथैल्पी, अगर मुझे अगर मुझे निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा क्या होता है बच्चों, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा है ना। तो जो हाँ, तो जो आपका विरुद्ध होगा है ना, जो आपका लाइट का जो विरुद्ध होगा, जो आपका लाइट का विरुद्ध होगा कैसे होगा बच्चों, वो कैसे होगा, वो भी आपका फाइनल माइनस इनिशियल पे डिपेंड करेगा, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? यस सर। तो ये क्या बच्चों, ये हमने पढ़ा आपका बोर्ड से बोर्ड के बारे में पढ़ाई किया। अब देखो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे नोट करो बच्चों, अगेन बोलूंगा पूरा नहीं, खाली ये पार्ट नोट करो, बस इतना पार्ट नोट करो, सब कुछ करने की बात जरूरी नहीं है। ठीक है, डन, ओके। अब देखो अब क्या बात करते हो बच्चों, अभी हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो सिंपल सी बात है, ये बेसिक फिजिक्स पढ़ोगे आप, ध्यान दो। मान के चलो ये आप एक सर्कल है, सर्कल है ना, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस कितना बच्चों, कितना है इसका डिस्टेंस, आर है, रेडियस आर है। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है ना। अगर आपका कोई चीज अगर सर्कल में रोटेट कर रहा है, उसका मास कितना बच्चों, उसमें आपका एक एंगुलर मोमेंट लग गया, तो आपका एंगुलर मोमेंट क्या होगा, आपका एंगुलर मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, आपका जो एंगुलर मोमेंट है वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों, उन्होंने बोला द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्बिट इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनएच अपॉन 2π। अब देखो जो आपका एंगुलर मोमेंट क्या बच्चों, ये उसका सिंबल एल होता है, ये क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलो बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अभी फिजिक्स में बच्चों एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों, ये होता है एम वी आर, वी आर मास वेलोसिटी और रेडियस, इसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अभी बोर ने क्या बोला बच्चों, बोर ने बोला कि जो आपका एंगुलर मोमेंट क्या बच्चों, वो आपका एन एच अपॉन 2π के बराबर होगा। इसका मतलब क्या बच्चों, जो आपका एन होगा है ना, जो आपका एन क्या होगा बच्चों, वो आप एक क्या होगा, वो आप एक होल नंबर होगा, दैट इज उसका क्या होगा बच्चों, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, वो दो जो आपका एन होगा क्या बच्चों, वो कभी आपका, वो कभी भी आपका फ्रैक्शन, वो कभी भी आपका फ्रैक्शन ही होगा, मतलब वो आपका 1.5 2.3 ऐसा वैल्यू कभी नहीं आएगा, ऐसा वैल्यू कभी नहीं आएगा, वो कभी आपका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगा। दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोलता हूँ है ना, आपके जो पेरेंट्स है ना, आपके पेरेंट्स के मान के दो बच्चे हैं, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, तो ये पूरा एक बच्चा है, ऐसा नहीं कि आधा बच्चा होगा, ऐसा ऐसा तो कभी होने नहीं वाला। तो कैसा हो बच्चा, हो आपका कैसा हो, ये आपका एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज एन एच अपॉन टू पाई के बराबर, वो कभी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेगा। दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, देयरफॉर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा, टू पाई। तो ये फॉर्म बच्चों, ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्म बच्चों आपको पता होना चाहिए। इतना बार सब समझ आएगा बच्चों, हाँ या ना, डन? ओके, तो सारे बच्चे बच्चों प्रॉपरली यहाँ पर नोट कर लो, सारे बच्चे प्रॉपर नोट कर लो। दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑर्बिट इज ऑलवेज इंटीग्रल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई। तो हमने क्या बच्चों, हमने क्वांटिटी दिया, तो कैसे हमने क्या बच्चों, इससे भी हमने क्या कर दिया, क्वांटाइज, इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ओके, यस सर। अब देखा है ये बच्चों, देखो ये दिखा है ये पार्ट, दैट दो देखो, ये क्या था बच्चों, ये था आपका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, एन क्या बच्चों होगा, 1 2 3, एच क्या बच्चों होगा, एच होगा आपका प्लैंक कांस्टेंट, वी होगा आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इज ऑफ ऑर्बिट। तो ये पॉइंट बच्चों को समझना है, काफी सिंपल बच्चों, हाँ है ना, समझ में आ रहा है बच्चों, डन सारे बच्चे? सर, तो बच्चों अभी हमने बच्चों पूरा हमने यहाँ पे बोर का थ्योरी पढ़ा, अगेन बहुत डिफरेंट नहीं, देखो पहले हमने पढ़ा बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन को जंप करना है को लोअर से हायर पे है ना, तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अगर उसको हाईएस्ट लोअर पे रखते हो वो आपका एनर्जी रिलीज करेगा, ये पढ़ा बच्चों? यस सर। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा आपका ऑर्बिट्स के बारे में, जो आपका ऑर्बिट से बोलते हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलते हैं स्टेशन स्टेट कहेंगे, या तो एनर्जी स्टेट कहेंगे, या तो लेवल्स कहेंगे। और हमने क्या देखा, हर एक ऑर्बिट कहेगा बच्चों क्या, एक फिक्स एनर्जी होगा, एन इक्वल टू 1, n = 2 और n = 3। इससे हम क्या कहेंगे बच्चों, इससे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, हम इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, यस या नो, हाँ या ना? यस सर। तो बच्चों ऐसे है बच्चों, आपको प्रॉपरली एग्जाम प्रॉपरली पढ़ना है, बन सारे बच्चे। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में, हमने ये देखा बच्चों अगर आपका दोनों लेवल का एनर्जी फिक्स है, और आपका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, और आपको फिक्स, तो आप अगर मैं उसको डिफरेंस निकालता हूँ तो डिफरेंस कैसा है बच्चों, वो भी आपका फिक्स वैल्यू आएगा है ना, तो हम इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन वाला पार्ट बोलते हैं, एनर्जी हम क्वांटाइज किया, दैट इज द चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस इन अ डिस्क्रीट मैनर, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? आई गेस मैंने आपको, मैंने बच्चा आपको एकदम सिंपलस एकदम सिंपल वे में आपको सब कुछ बताया, सारे बच्चे सारे पॉइंट्स पे। और अगेन बोलूंगा बच्चों, ये आपका देखो, ये बच्चों ये आपका बोर्ड्स लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ जेई के लिए भी आपका काफी ज्यादा एमपी क्वेश्चन, और यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते ही हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते बच्चों, अब देखो, अब ये तो हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब होता है कि बच्चों यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, फाइंड द एनर्जी, फाइंड द रेडियस एंड फाइंड द वेलोसिटी पूछेंगे। अब देखो, अभी मैं क्या बताऊं बच्चों, आपको बताऊंगा रेडियस, अगर मैं आपको बताऊंगा आपको रेडियस के बारे में बताऊंगा, दैट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ बताऊंगा, तो रेडियस फॉर्म में क्या था बच्चों, आप बोलोगे आर एन इज इक्वल टू एन के बच्चों कोई भी ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आंसर किस में आ रहा है बच्चों, ये आंसर आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में, एन क्या बच्चों, एन आपका ऑर्बिट है, एन आपका कौन सा ऑर्बिट वो बता रहा है, और जेड क्या बच्चों, जेड है आपका एटॉमिक नंबर। और अगेन बोलो बच्चों, जो आपका बोस का जो मॉडल है ना, जो आपका बोस मॉडल है वो खाली आपका
ये खाली क्या, ये क्या बच्चों, ये खाली आपका हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ये आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वाला पार्ट नहीं है। मतलब बच्चों पीसी में आपका खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पीसी में आपका खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी यह काम आएगा, तभी आपका बोर मोड काम आएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका रेडिसल फॉर्मूला आ गया बच्चों, है ना, ये आपका रेडिसल फॉर्मूला का। फिर आपको बोलेंगे वेलोसिटी निकालो, फिर आपको बोलेंगे फाइंड द वेलोसिटी, उसका फॉर्म में कैसा है बच्चों, आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, मान के चलो आपका इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है तो वहां पे स्पीड कितना होगा, तो स्पीड कितना होगा आप बोलोगे 2.18 इंटू 10^6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये देखो अगर बोलूंगा ये आपका एमपी है, जेड क्या बच्चों आपका एटॉमिक नंबर है, एन क्या बच्चों आपका ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर टन से बच्चों, हाँ ना, यस यस सर, पक्की बात आ रहा सबको समझ में, यस सर, यस सर, है ना, ध्यान समझो रे, ध्यान समझना आपको, ओके अच्छे काट रहे, ओके ये पार्ट हो गया। फिर आपको एग्जाम पूछे, फिर आपको पूछे बच्चों फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी के बारे में अगेन बोलो बच्चों, ये फॉर्म, ये जो इक्वेशन है बच्चों इसको आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आएगा, आपको इसका डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी का जो होता बच्चों आप बोलोगे एनर्जी ऑफ nth क्या बच्चों होगा, ई मतलब क्या, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इसका बोला जाता बच्चों -13.6 इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये एनर्जी किसमें आ रहा बच्चों, ये आपका एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी आ रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। अगर मांग के चलो आपको एनर्जी निकालना जूल में, तब क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों, तब आपका फॉर्मूला आता है -2.18 इंटू 10^-18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका जूल में आएगा। तो मैं आपको ये बोलूँ बच्चों, आपको ना ये फॉर्मूला ज्यादा याद होना चाहिए, ये फॉर्म बच्चों आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए, डन सारे बच्चे, हाँ है ना, क्या बोला बच्चा आपने, क्या बोला, ईवी, हाँ ईवी क्या बच्चों, ये इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एकदम से बोला आपने, है ना। अब देखो अभी आप यहाँ पे डाउट करो बच्चों, यहाँ पे जो एनर्जी है उसका वैल्यू नेगेटिव, उसका वैल्यू नेगेटिव में क्यों जा रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे जितना एनर्जी वैल्यू नेगेटिव में जाएगा उतना क्या होगा, उतना क्या होगा बच्चों आपका आगे स्टेबिलिटी, दैट इज नेगेटिव शोज दैट द स्टेबिलिटी, वो कितना आपका स्टेबल है, वो आपका कितना स्टेबल है, कितना आपका स्टेबल है, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, यस यस सर, यस सर, समझ। अब देखो अब बच्चों देखो आपको आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे, आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे कि देखो मान के चलो आपका क्या होगा बच्चों, अगर आपका एन हो गया इन्फिनिटी, अगर आपको पूछेंगे अगर आपका एन क्या होगा बच्चों, ये हो गया इन्फिनिटी, मतलब कि आपका एकदम लास्ट ऑर्बिट में, बहुत बहुत लास्ट ऑर्बिट में, तो एनर्जी कितना है बच्चों आएगा, आप बोलोगे एनर्जी आएगा जीरो, बिकॉज क्या बच्चों अगर आपका वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ये आपका जीरो आता है, जीरो। अगर आप अगर मैं एन के जगह लिखता बच्चों लिखता हूँ एनफिट लिखता हूँ तो मैं एनर्जी क्या है बच्चों का, ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हुआ, फ्री हो गया। इसका मतलब ये बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो गया। अब सिंपल सी बात है, अब मान के चलो कि आपके इलेक्ट्रॉन एकदम 10वें ऑर्बिट में, मान के चलो आपका इलेक्ट्रॉन एकदम लास्ट ऑर्बिट पे है, तो क्या न्यूक्लियस का और लास्ट ऑर्बिट का अट्रैक्शन हो पाएगा, आप बोलोगे अट्रैक्शन वीक होगा, तो आराम से निकल जाएगा, सिंपल सी बात। अब मान के चलो आप पेरेंट्स है ना, मान के चलो मैं पेरेंट्स हूँ, अगर मैंने अपने बच्चे को खुला छूट दे दिया कि तो जो करना कर, तो क्या मेरी बात सुनेगा, वो फ्री हो जाएगा ना, है ना, वो आपका फ्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, सिंपल कॉमन सेंस, ये आप क्या है, यहाँ पर कॉमन सेंस है। तो देखो बच्चों मैं आपको बोलूंगा आपको ये फॉर्मूला बच्चों प्रॉपरली याद होना चाहिए, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फॉर्मला इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मला आना चाहिए। और अभी अभी आपको बताऊंगा कि एग्जाम एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
अगेन ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, अगेन ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा बच्चों, एनर्जी वाला पार्ट। ये सारे पार्ट बच्चों आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, ये पार्ट और ये पार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या, क्या बोला बच्चों, मैंने मैंने ये बोला, मैं ये बोलूंगा कि जैसे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट जाए तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी घटने लगेगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये समझना, तो ये एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये एनर्जी आपका जूल में है। तो समझ लेगा बच्चों, समझ देखो, जब भी आपका आएगा एनर्जी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, यस और दैट इज जेड स्क्वायर ऊपर आता है और आपका एन स्क्वायर नीचे, एन स्क्वायर नीचे आएगा, ये पता होना चाहिए। स्पीड में क्या होता है बच्चों, स्पीड में आपका जेड ऊपर एन नीचे, और आपका रेडियस में क्या आएगा बच्चों, एन ऊपर ऑर्बिट ऊपर जेड नीचे, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो बच्चा आप आराम से, आप कोई भी क्वेश्चन बच्चा आराम से क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। डन सर बच्चे, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, अब देखो, सपोज करो आपको एग्जाम पूछेंगे फाइंड द एनर्जी इन द किलोजूल पर मोल, तब क्या बच्चों, अगर मान लीजिए आपको एनर्जी निकालना है किलोजूल पर मोल, तब क्या आंसर आएगा बच्चों, आप बोलोगे, आप बोलोगे -1312 इनटू, बोलो बच्चों क्या आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलोजूल पर मोल। अब देखो बच्चों यहां फर्क क्या है, देखो यहां पे ना खाली, यहां पे खाली, यहां पे आप खाली आपका वैल्यू में चेंज, यहां पे खाली आपका वैल्यू में चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अलग वैल्यू आ रहा है, जूल में अलग आ रहा है, किलो जूल पर मोल आपका अलग वैल्यू आ रहा है। तो मैं आपको ये बोलूंगा बच्चों, मैं आपको ये बोलूंगा, आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए, किलो जूल पर फॉर्म पता चाहिए, और आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता होना चाहिए। तो बच्चों आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। डन सर बच्चे, हाँ है ना? यस सर। तो सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉपरली इसको नोट कर लो बच्चे, प्रॉपर नोट करो, बिकॉज ये बच्चा आपका आईएमपी पार्ट है। अगेन बोलो बच्चों, सारे पार्ट, सारे फॉर्मूला को प्रॉपर नोट लिखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जेई में इसी पार्ट से, जेई में बच्चों, जेई में बच्चों यहाँ से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन यहीं से आता है, जेई में इसमें आपका क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगेन बोलो बच्चों, बोर्ड मोड इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और आपका जेई के लिए भी। सारे बच्चे नोट कर लिया, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो ये क्या पढ़ बच्चों, ये हमने पढ़ा आपका बोर मॉडल के बारे में, ये हमने पढ़ा बच्चों बोर मॉडल के बारे में पढ़ लिया। अब बच्चा देखो बोर मॉडल लिमिटेशन क्या होता है, जो आपका बोर मॉडल है उसका लिमिटेशन क्या होगा बच्चों, अब होता क्या, होता क्या है, हम ये बोलेंगे दैट ये क्या होता है, ये खाली आता है, इट इज अप्लीकेबल टू द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीस, ये खाली आपका जिसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन बच्चों खाली उसमें काम आएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज खाली वहां पे काम आता है, ये इसका पहला लिमिटेशन है। सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो दैट इज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट, इसे बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट बोलते हैं, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हम बोलते हैं ब्रेक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये कैसे हो रहा है ये बता नहीं पाया बोर्ड, तो इसका लिमिटेशन है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ज़ीमन इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रिक दैट इज स्टार्क इफेक्ट। थर्ड लिमिटेशन क्या बच्चों, आप बोलोगे दैट इट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइजनबर्ग इक्वेशन,
अब देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला, तो हमने हमें यहाँ पे फोन में क्या निकाला बच्चों, हमने स्पीड भी निकाला और डिस्टेंस निकाला। ये क्या बच्चों, जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करता हूँ रेडियस, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिस्टेंस होता है ना, इसका मतलब डिस्टेंस होता है, और वी मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है ना। अब हाइजमन, हाइजमन क्या बोला, हाइजमन ने कहा कि हम कोई भी कोई पार्टिकल का सेम टाइम पे स्पीड और उसका डिस्टेंस पता नहीं कर सकते, दैट उसका पोजिशन और उसका मोमेंटम, दैट उसका उसका वो कहाँ पर है, दैट इज डिस्टेंस और उसका स्पीड, वो हम एक साथ में एक साथ में दोनों चीज पता नहीं कर सकते। लेकिन बोर में तो बेकिंग हमारे हमारा जो आपका बोस एटम वहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे ये हाइजमन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये इसका लिमिटेशन है। हाइजमन क्या बोला बच्चों, हाइजमन ये बोला था कि जो पोजिशन है और मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो आपका एक टाइम पे दोनों साथ में पता नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, यस या नो? यस सर, यस सर। अभी जो लिमिट्स उसको लिखो बच्चों, देन आपका हम क्वेश्चन करेंगे, ये लिमिट्स लिखो फिर हम आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन बच्चों उसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भोर ने ये बोला कि मैं अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लेता हूँ करिश्मा का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। भोर ने ये बोला कि मैं करिश्मा का स्पीड और डिस्टेंस एक साथ बता सकता हूँ, लेकिन हाइजमन क्या बोला, हाइजमन ने ये बोला कि मैं करिश्मा का स्पीड और डिस्टेंस एक टाइम पे दोनों साथ में नहीं सकता, या तो मैं स्पीड निकालूंगा या तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों एक साथ निकलेगा, ये कहा था हाइजमन ने, और वो सच भी हुआ, लेकिन बोर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है? समझे सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो बच्चों ये पढ़ना पड़ा, अब देखो ये देखो बच्चों, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जेई में 2000 इस साल क्वेश्चन है, ये आपका इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, इसी पार्ट से आया है ना, ये आपका इसी पार्ट से आया, ये पूछा गया 15 अप्रैल मतलब इसी बार का है। इसका देखो क्या लिखा, देखो स्टेटमेंट वन ये पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा ये पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा, हाँ परमिंदर पढ़ो बच्चा, परमिंदर पढ़ो, yes, पढ़ो। Given below are two statements. Statement one, according to Bohr's model of hydrogen atom, the angular momentum of an electron in a given stationary state in quantized. हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा था ना कि जो आपका बोर्स में आपका एंगुलर क्या था, वो आपका क्वांटाइज था, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच अपॉन 2π के बराबर था, मतलब ये खाली आपका स्पेसिफिक ले सकता है 1, 2, 3 से, तो क्वांटाइज हो रहा है। तो आप क्या बोलो बोलो बच्चों, पहला स्टेटमेंट क्या बच्चों, ये आपका सही है, हाँ या ना, सही है ना? अरे अभी हमने पढ़ा ना बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये पार्ट सिंपल वही पार्ट था, है ना। According to Bohr's model of hydrogen atom, the angular moment of electron of a given stationary is quantized. Simple सी बात है ना, ये आपका quantized है, ये भी हम पढ़ा बच्चा, मतलब आपका एक value fixed है, है ना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. देखो, second question में क्या लिखा, लिखा देखो, लिखा लिखा बच्चों, पढ़ो पढ़ो बच्चा, पढ़ो कहाँ गई? हाँ नियर के पढ़ो बच्चा, नियर पढ़ो। The concept of electrons in Bohr's orbit violated the Heisenberg uncertainty principle. In the light of statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Okay. Both. हमने हाँ तो हमने क्या हम क्या बोल बच्चों, आपका स्टेटमेंट ये भी सही है और आपका टू वाला भी सही है ना, अभी हमने पढ़ाई किया, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी है ना। तो देखो बच्चों आपको है ना बच्चों, बोर मॉडल है बच्चों, आपको उसको थ्योरी पढ़ना है, बोर मॉडल का आपको घर पे जाके बच्चों थ्योरी पढ़ना है, बिकॉज ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है। देखो बच्चों इस साल, देखो इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? यस सर, आपको समझना है, डन सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर, यस सर। अब देखो
देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन कहाँ कब पूछा है पूछो, अगेन इसका क्वेश्चन है, अगेन इसका क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पढ़ी करिश्मा, करिश्मा क्वेश्चन पढ़ो। The energy of electrons in the first Bohr orbit of hydrogen atom is -2.18 × 10⁻¹⁸ joule. Its energy is the third Bohr orbit is. Okay. तो क्या बोला बच्चों? यहाँ पे बोला क्या बोला बच्चों? Energy है ना? यहाँ बोला energy. और ये आप किसमें दिया बच्चों? ये आपका joule में दिया है. तो हमारे form में क्या था बच्चों? That is energy is equal to माइनस बोल बच्चों क्या होता है 2.18 × 10⁻¹⁸ अब देखो ये बोला बच्चों, अभी ये बोला गया फॉर द हाइड्रोजन एटम, अभी आपका हाइड्रोजन एटम क्या आएगा बताएगा आपका जेड इक्वल टू वन आएगा है ना, और बोला फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट क्या बच्चों जेड इक्वल टू वन क्या बच्चों आएगा आपका एन इक्वल टू वन आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट बात करूं, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट बात करूं तो वैल्यू क्या आएगा बच्चों आप बोलोगे 1² / 1² तो आंसर क्या है बच्चों मेरा आंसर ये आ गया। अभी क्वेश्चन क्या बोला बच्चों व्हाट इज एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट तो क्या आएगा बच्चों दैट इज 1² / 3² तो 3² क्या होता है बच्चों क्या होता है ये होता है 9 तो जो आपका आंसर कितना वो कितना बच्चों कितना बच्चों इट इज 1/9 ऑफ द वैल्यू। तो समझ में आ रहा बच्चों हमने क्वेश्चन कैसे किया है या ना? यस सर। देखो अगेन बोल रहा हूँ अगर आपका फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, आप 10 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सॉरी आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। देखो अगेन बोलो ये सारे आपके जे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अलग बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके जेड क्वेश्चन है जो कि आ चुके हैं इस बार। ठीक है सारे बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. सर, फॉर्मूले में पुट करके ही हमारा आंसर आ जाएगा सर, सॉल्व नहीं करनी है ये जो हमारे पास इक्वेशन है। हाँ, क्यों सॉल्व करो ना, देखो अब क्या बताओ इट्स वैल्यू कौन से कितना गुना बच्चों, ये जो आपका वैल्यू आया कितना है ना कि बच्चे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो याद है, अगर याद है तो याद नहीं है, सिंपल। Okay, तो Z तो 1 आ जाएगा और बोला क्या थर्ड ऑर्बिट, तो N आएगा 3, 1² / 3² तो ये आ गया 9 आ गया, तो 1/9 कहाँ पे आ रहा है, 1/9 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन सी, सिंपल सिंपल सारे बच्चे। यस सर। और आगे बढ़ते बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2026 में, 26 आया नहीं है ना, ये पूछा गया था 22 में, ऐसा 22 में पूछा गया था, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछा, देखो अब पूछा है रेडियस, अब रेडियस फॉर्म में क्या होता बच्चों, मैं क्या बोलता दैट इज आर एन इज इक्वल टू 0.529 × रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R3, अगर मैं यहाँ पे R3 लिखता हूँ तो मेरा आंसर क्या बच्चों आएगा, यह आएगा 0.529 × 3² / 1 अब देखो सिंपल ध्यान समझो क्या होगा, देखो दैट इज रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू
0.529 इनटू क्या बचेगा 4 स्क्वायर अपॉन 1। अब देखो तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आंसर क्या है बच्चा आप बोलोगे R3 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9.9 और आपका R4 क्या है बच्चा आ गया ये आ गया 0.529 into 16 अब देखो जब मैंने किया R3 बाय R4 किया तो क्या बचो हुआ ये और ये कैंसिल आ गया बिकॉज सेम नंबर है तो क्या आंसर है बच्चों ऐसा बोलोगे 9/16 मुझे निकालना है क्या बच्चों मुझे निकालना है R4 निकालना है तो क्या बचोगा यार ऊपर लेके जाओ यार को ऊपर लेके जाओ और शिशु यहाँ पे लेके जाओ तो कैसा आएगा बच्चों ऐसा बोलोगे दैट इज R4 इज इक्वल टू R4 = 16/9 R3 3 4 12 वाला ये आपका बी आएगा नहीं कटने वाला तो क्या आप क्या बोलोगे ऑप्शन बी इज द आंसर ये कटेगा यस सर ये कटेगा सर है ना वो 3 से जा रहा है वो 4 से जा रहा है सर तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन राइट आंसर। अब देखो ये फार्मूला का ये कब कर पाओगे जो जब आपको फार्मूला पता होगा अगर आपको फार्मूला पता ही नहीं है तो बच्चा आप क्वेश्चन नहीं कर समझे बच्चों हां या ना Yes, sir. तो देखो बच्चों आज हमने क्या सीखा मैं आपको ये बोल सकता हूँ दैट इज आपको बोर्स मॉडल का थ्योरी भी पता होना चाहिए और उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जितने बच्चों हमने फॉर्मूला लिखा है बच्चों जितना भी हमने फॉर्मूला लिखा है वो सारे फॉर्मूले बच्चों आपको प्रॉपरली पता होना ही चाहिए बिकॉज ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है ये आप बच्चों पता होना चाहिए और आपको बोलेंगे फाइंड द एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये करना है जूल में आएगा तो ये करना है और अगर आपका किलो जूल पर बोला गया तो आपको ये फॉर्म लगाना है समझ में आ रहा है बच्चों हाँ या ना यस सर यस सर देखो इससे बोलो बच्चों बोर्ड मॉडल जो बच्चों ये आपका एंट्रेंस मॉडल में देखो आप खुद देखो बच्चों हर साल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आता ही है देखो अगेन बोलूंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर मॉडल काफी ज्यादा आईएमपी है यहाँ से बच्चों को आता ही बहुत क्वेश्चन आते हैं आपने खुद देखा होगा इस साल क्वेश्चन है ना यस सर ओके तो ये पार्ट हो गया बच्चों सारे जो पॉइंट नोट करके ये हो गया देन हमने लिमिटेशन के बारे में पढ़ा के बच्चों ये खाली कैसा ये खाली आपका हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होता है यस सर दैट इज सिंगल एटम यस सर देखो ये आपका अच्छी प्लस के लिए एप्लीकेबल होगा और आपका ये आपका लिथियम 2+ के लिए एप्लीकेबल होगा कि बच्चों इसमें कितना है इसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन ये खाली आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन के हेल्प करता है डन सारे बच्चे हां या ना यस सर यस सर आगे बढ़ो बच्चों तो ये क्वेश्चन हमने किया बच्चों अगेन ये क्वेश्चन हमने किया बच्चों जो आपका एनर्जी बेस्ड था अगेन क्वेश्चन क्या बच्चों जो आपका रेडियस को बेस रेडियस यस रेडियस ठीक है अभी हम बात करते हैं ड्यूअल बिहेवियर के बारे में अब देखो अब हुआ ये बच्चों देखो अब यहाँ पे एक नई कहानी है अब मैं बता रहा हूँ अभी मैं आपको अगेन लेता हूँ मैं लेता हूँ दीपा और निहार का एग्जाम देता हूँ अब निहारिका ने यह बोला था कि जो लाइट है ना जो आपका लाइट था ने बोला कि जो लाइट था वो पहला आपका वेव ने माना हमने उसको वेव माना और हमने बाद में ये पता चला लाइट क्या बच्चों लाइट आपका थोड़ा थोड़ा पार्टिकल होता है लाइट थोड़ा थोड़ा आपका पार्टिकल जैसे बिहेव करता है ना
इन्होंने पढ़ाई किया सर। अभी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या था बच्चों? उनका नाम था डी ब्रोगली। क्या है डी ब्रोगली बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं डी ब्रॉय। साइंटिस्ट डी ब्रॉय। डी ब्रॉय ने ये पूछा, मैं बोलूंगा निहारिक ने ये पूछा कि अगर जो आपका लाइट था जो पहले हम उसको वेव मानते थे, अगर वो पार्टिकल है तो क्या पार्टिकल किया जो आपका आपका जो पार्टिकल है क्या वो आपका वेव, क्या वो आपका वेव जैसे बिहेव कर सकता है, क्या वो आपका वेव जैसे बिहेव कर सकता है, वो पूछा उन्होंने। उन्होंने क्या बोला, जो आपका लाइट जो पहले वेव होने माना था अगर वो पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहा है तो जो पार्टिकल है जो आपका पार्टिकल है क्या वो वेव के जैसे बिहेव कर पाएगा, हाँ या ना? अब बताओ जरा बच्चों। अब जैसे मान के चलो मैं ये बोलता हूँ कि निहारिका है ना, निहारिका, अब वो क्या, वो एक लड़की है, मतलब वो आपके पार्टिकल है, तो मैं ये पूछूंगा क्या निहारिका वेव किसी से बिहेव कर पाएगी, क्या वो निहारिका वेव बन सकती है, हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा हाँ वो वेव से बिहेव कर सकती है, लेकिन हमें वो वेव दिखा नहीं देता, वो भी वेव से बिहेव कर सकती है लेकिन हमें वो दिखा नहीं देता। ध्यान समझो, सिंपल से बात, ध्यान समझो। अगर मैं कोई अगर डी ब्रॉय ने फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला क्या दिया, ये दिया दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा क्या बच्चों? लैम्डा है आपका है वेवलेंथ। वेवलेंथ एच क्या बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता बच्चों? 6.6226 और p क्या बच्चों? ये आपका है मोमेंटम, ये आपका है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता बच्चों? अब देखो मोमेंटम क्या होता बच्चों? मोमेंट होता आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी। यस सर। मोमेंटम क्या होता बच्चों? ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? हमारा फॉर्मूला बन गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इनटू वी, है ना बच्चों? हाँ या ना? यस सर। तो ये फॉर्मूला सबको याद करना है। अब देखो ध्यान से समझो, ये ध्यान दो, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स क्या बच्चों? वो पार्टिकल है ना, वो आपका पार्टिकल है ना। अगर मैं बात करता हूँ करिश्मा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करिश्मा की बात करता हूँ, करिश्मा क्या बच्चा? वो भी आपका पार्टिकल है। अब देखो होते क्या बच्चों, जो आपके इलेक्ट्रॉन से बच्चों वो आपका वेव कैसे बिहेव करता है जो कि पार्टिकल है, करिश्मा के वो भी पार्टिकल, वो लेकिन वो भी वेव जिस करते हैं आपको दिखाई देता है। क्यों बच्चों? अब सिंपल से देखो, हम ये बोलेंगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब देखो अगर मास छोटा है, अगर आपका मास छोटा है तो वो आपका वेव जैसे बिहेव कर पाएगा, आपको दिखेगा वेव जैसे। लेकिन बच्चों देखो किससे क्या होगा आपका, अगर आपका मास ज्यादा हो गया मतलब कि वजन ज्यादा हो गया है ना, तो क्या बच्चों वो आपका जो लैम्डा होगा वो आपका पार्टिकल जैसे बिहेव नहीं कर पाएगा। अब सपोज करो बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं आपको समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बता रहा आपको? समझ में आ रहा है? अभी हम ये पता कर रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है कि जो पार्टिकल है क्या वो वेव से बिहेव कर सकता है, और जो क्रिश है, जो क्रिश्मा है जो कि पार्टिकल है क्या वो वेव से बिहेव कर सकता है, वो फाइंड करते हैं। अब सपोज करो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक बता रहा हूँ, यहाँ पे हम ये क्वेश्चन में करें, थोड़ा वेट करते हैं। क्या सपोज करो फॉर्मूला क्या बच्चों? फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या बच्चों? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मैं ये मांग के चलता बच्चों, मैं ये मांग के चलता हूँ जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना बच्चों? उसका मास होता है 9.1 × 10⁻³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 
10^6 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, मान लीजिए इसकी स्पीड है ना, ये मान के चलता हूँ। अगर मैं ये वाले को यहाँ पुट, अगर मैं इस वाले को यहाँ पुट करूँ तो मेरा लैम्डा कितना बचाएगा, मेरा लैम्डा आएगा 725 कितना 725 नैनोमीटर मेरा लैम्डा आएगा। अगर मैं देखो, अगर मैं बोल रहा अगर मैं बोल रहा करिश्मा, मैं बोल रहा हूँ करिश्मा मास कितना बचो, मान के चलो
करिश्मा मास है है 45 के जी, मान लो इनके उतना वेट है, और मान लीजिए मनीष करिश्मा दौड़ रही है, उनका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड उनका स्पीड है ना, स्पीड है। अब देखो अभी इसका लैम्डा निकालो, कैसे निकालो करेंगे बच्चों, 6.626 माइनस 34 डिवाइड बाई मास से 45 अब देखो अभी मैं इसका आंसर निकालता हूँ, तो मेरा आंसर कितना है बच्चों आएगा 6.626 डिवाइड बाई 45 डिवाइड बाई 10, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा 0.0142 इंटू 10 पावर माइनस 34। अब देखो अगर मैं डेसिमल को करता मैं आगे लेके जा रहा हूँ तो क्या आएगा बच्चों मेरा, ऐसा आएगा 1.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 32 30, कितना है बच्चों कितना आएगा 33। मैंने देखो मैंने यहाँ पे दो एक डेसिमल और यहाँ पे दो डेसिमल लिखे 32 आएगा कि 36 आएगा, पक्का सोचो जरा, सोचो जरा सोचो जरा -36 मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो पावर है वो आपका 36 आएगा 32 आएगा वो मुझे बताओ, और मेरा आंसर आ रहा है -36। अब बताओ सबसे छोटा वैल्यू कौन सा बच्चों, आप बोलोगे ये सबसे छोटा वैल्यू है, अब मतलब क्या, इसका जो वेलेंथ होगा बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब क्या बच्चों अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारा भी वेव आएगा लेकिन हम उसको अपने नजरों से देख नहीं पाएंगे, बिकॉज वैल्यू आपका बहुत छोटा है, वैल्यू आपका बहुत छोटा वैल्यू है, हम उसको अपने नजरों से देख ही नहीं पाएंगे। इससे क्या होता है बच्चों जो आपका बड़े पार्टिकल्स होते हैं हमें उसका वेव नेचर पता नहीं चलता, इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे जो आपका पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल्स है उसमें भी आपका दो टाइप का नेचर होता है, एक आपका वेव नेचर होता है और वो आपका पार्टिकल नेचर भी होता है, आपका जो मैटर ना मैटर, मैटर क्या होता है बच्चों, मैटर क्या है, मैटर आपका पार्टिकल है, क्या होगा इसमें, इसमें आपका वेव भी आएगा और इसमें आपका पार्टिकल भी आएगा, भी आएगा। होता क्या बच्चों, ये जो आपका वेव नेचर हम उसको देख नहीं पाते, क्यों नहीं देख पाते बच्चों, बिकॉज वैल्यू कैसे बच्चों, वैल्यू आपका बहुत छोटा वैल्यू, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर वैल्यू हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन अगर मास छोटा हो जाए तो उसका जो लैम्डा हम उसको थोड़ा सा पता कर सकते हैं, हम इसको पता कर सकते हैं, हाँ है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डन सारे बच्चे, ऐसे बच्चों आपको, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम क्वेश्चन करना। अब देखो अगेन सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे करें, देखो कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ 3.62 एंगस्ट्रॉम, अभी आपको वेव निकालना है, यहाँ पे स्पीड नहीं दिया बच्चों, यहाँ पे आपका स्पीड दिया नहीं है, राइट ऐसे क्वेश्चन भी आपको इसे पूछ जाते हैं, मैं चेक करता हूँ स्कोल दिया है क्या, आप मान के चलो फोटो का स्पीड बच्चो, यहाँ पे आपका फोटो का स्पीड कितना आएगा, इसका स्पीड आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, जब भी आपको सुनाए थे फोटोन तो आपका स्पीड कितना लेना बच्चों, आपको लेना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो लैम्डा क्या होता है बच्चों, लैम्डा होगा आपका h अपॉन m v, हमें निकालना है बच्चों, हमें निकालना है मास निकालना है, तो मास क्या बच्चों, मास ऊपर जाएगा, मास इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इनटू v, सॉल्व करो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, कैसे रहे बच्चों 6.626 इनटू 10 पावर माइनस 34 वो 3.6 जो कि आपको बहुत छोटा वैल्यू है, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, यस सर।
Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Okay. अब देख बच्चों, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज बच्चों हमने बहुत सारे फॉर्मेट पढ़े है ना. हमने ये देखा कि जो आपका थे डी ब्रोगली ना, जो थे आपके डी ब्रोगली, उन्होंने फॉर्मूला दिया. फॉर्मूला क्या था बच्चों? दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. पी होता है आपका मोमेंटम. तो फॉर्मूला क्या बने बच्चों? फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एन बी. हम इससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इससे बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ. हम इससे बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं. तो जब भी आपका डी ब्रोगली पार्ट आएगा बच्चों, आपको ये फॉर्मूला यूज करना, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी का फॉर्मूला यूज करना. सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? सर यस सर. पक्का सबको समझ में आया बच्चों? यस या नो? यस सर. करिश्मा, निहारिका, दिशा, सबको आया? यस सर. ओके, तो बच्चों ये पार्ट बच्चों आज हमने प्रॉपरली हमने पढ़ाया गया. तो सारे बच्चे लास्ट क्वेश्चन दिखाना. हाँ दिखाता हूँ. देखो बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ या मास नियर बोलेंगे, तो आपको वहां पे डी ब्रोगली फॉर्म यूज करना, दैट इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी का फॉर्म यूज करना. डन सारे बच्चे? आया ना? यस सर. यस सर. पक्की पक्की बात है? सबको आएगा? अक्षिता म्यूट कर लो अपने आप को. ओके, करिश्मा भी है. कोई बात नहीं, करिश्मा तो उनकी आवाज आ रही, कोई इशू नहीं. सबको समझ आ गया बच्चों? हाँ या ना? यस सर. तो बेसिकली बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा और हमने ये देखा जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो आपका हाइड्रोजन स्पेस के ऊपर बेस्ड बच्चों. और हम उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं और आपका स्पीड कैसे है, तो उसके फॉर्मूला देखा. और हमने आज हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के पढ़ा किया, जो कि आपका मैटर का डुअल नेचर बारे बताता है, जो कि आपका मैटर का डुअल नेचर बारे बताता है. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यस सर. अगेन ये फॉर्म आपको नोट डाउन करना है, ये फॉर्म आपको नोट डाउन करना है. देन बच्चा आपको ये जो मैंने फॉर्म लिखा है थे, ये तो आपका लिमिटेशन, इसको भी याद करना है बच्चों. एंड ये जो फॉर्म लिखा है बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा आई फॉर्म है, जिसको नोट करना, बिकॉज ये आपका बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है. याद है बच्चों? यस सर. हां ना? डन. यस सर. यस सर. ओके बच्चों, हम यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं. ठीक है सर. यस सर. ओके. यस सर. ठीक है बच्चों, बाय बाय, अपना ख्याल रखना. बाय बाय. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर.